गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की 5 क्लास की ईवीएस बुक जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर में कुछ टॉपिक पढ़ा था, आज उसके आगे पढ़ा तक पढ़ा था। आज हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे अप्रिशिएटिंग फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करना, प्रोत्साहन देना। ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वह एक दूसरे से अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मेम्बर ऑफ योर फैमिली में बी सॉफ्ट स्पोकन एंड क्वाइट, वाइल द अदर में बी लाउड। जैसे कि आपके फैमिली में कोई सॉफ्ट बोलते होंगे, कोई शांत रहते होंगे, कोई लाउड बोलते होंगे, कोई जोर से बोलते होंगे, सब एक जैसा नहीं है। ऑल्सो एवरी वन इन द फैमिली हैज सम स्पेशल क्वालिटी। और फैमिली में हर एक फैमिली मेम्बर के अलग क्वालिटी होते हैं। सब के क्वालिटी एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग क्वालिटी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम वन में हैव गुड हैंड राइटिंग, जैसा कि किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होते हैं। वाइल द अदर में बी गुड एट पेंटिंग एंड आर्ट, जबकि कोई पेंटिंग और आर्ट में अच्छे होते हैं। एंड अदर्स में बी गुड एट डांसिंग, एक्टिंग और कुकिंग, और कुछ जो है डांसिंग, एक्टिंग और कुकिंग में अच्छे होते हैं। वी मस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट द यूनिकनेस एंड गुड क्वालिटीज ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। हम लोगों को हमारे फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उसके अच्छे क्वालिटी को और उसकी यूनिकनेस को, उसकी जो विभिन्नता है, उसकी जो अलगता है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इट गिव्स देम द इंकरेजमेंट टू डू बेटर इन लाइफ। वह उसको इनकरेज करता है कि अपने लाइफ में जो है वो बेटर करे, अपने लाइफ में अच्छे करे। हमको सबको प्रोत्साहन करना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर के लिए। अब यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, तीन दो। पहला है, ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स तो जितने भी फैमिली है वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर अलग होते हैं तो इसमें यस लिखना है, अगर नहीं होते तो इसमें नो लिखना है। वी मस्ट नॉट अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज ऑफ अवर फैमिली मेम्बर्स। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की अच्छी क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए। तो इसमें यस होगा, तो इसमें यस बनना है। एवरी चाइल्ड ऑफ ए फैमिली हैज द सेम हैंडराइटिंग। चाइल्ड फैमिली में जितने भी बच्चे सबके एक जैसे हैंडराइटिंग होते हैं, बिल्कुल नहीं, सबके अलग अलग हैंडराइटिंग होते हैं। तो इसमें अगर यस होगा तो यस भरना, नो होगा तो नो भरना। और पहला तो ये तीनों को करके लाने हैं। पहला, ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ अपने फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स में सब डिफरेंट होते, एक जैसा नहीं होते। तो आपको ये तीनों करके लानी है। अब अगला टॉपिक है ऑब्जर्विंग इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मीन्स होता है बच्चे, शिशु। तो आज हम लोग बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, शिशु के बारे में पढ़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। मारे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ए स्मॉल बेबी इन योर फैमिली और नेबरहुड। हम लोग अवश्य अपनी फैमिली में या फिर अपने नेबरहुड, मतलब होता है पड़ोसी, बगल में बच्चे को जरूर देखे होंगे, जरूर ऑब्जर्व किए होंगे। बेबी कीप्स क्राइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चे जो है, बेबी जो होते हैं वह जो है दिन में अक्सर रोते हैं, मतलब क्राई करते हैं बहुत ज़्यादा। डू यू नो व्हाई, क्या जानते हो क्यों बच्चे जो है वो क्यों रोते हैं, पता है? इट इज़ बिकॉज दे कैन नॉट टॉक एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज वी डू। जैसे कि हम लोगों को कुछ ज़रूरत होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हमें पानी चाहिए या हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो रोते हैं। ओनली पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड वेदर द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर, पेन और वॉन्ट्स टू बी कडल्ड। सिर्फ पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे जो है क्यों रोते हैं, या तो उन्हें भूख लगी है या कुछ दर्द हो रहा है या क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मदर जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे क्यों रोते हैं। बेबीज एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस बाय लाफिंग। बेबीज जो है, बच्चे जो है वह अपनी खुशी को हंस के शेयर करते हैं। अगर बच्चे को देखिएगा कि अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, तो अपने खुशी को वो थोड़ा सा हैप्पीनेस करके शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है, बेबीज की प्रैंक बिकॉज दे कैन नॉट डैश एंड डैश देमसेल्फ ओनली। बेबी जो है क्यों रोती है, क्योंकि वह अपना खुद डैश और डैश नहीं कर सकते। ओनली डैश कैन अंडरस्टैंड विद द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर और पेन। सिर्फ पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं बेबी क्यों क्राई करते, या तो हंगर के चलते या फिर पेन के चलते। तो आपको ये करना है, करके लाना है अपने नोटबुक में। पहला तो ये तीनों जो अभी मैंने बताया, और दूसरा ये बेबीज कीप क्राइंग बिकॉज दे कैन नॉट डैश एंड डैश। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपने टॉक और एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने बातों को और यहाँ पे भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए आप बच्चे रोते हैं। ओनली डैश कैन अंडरस्टैंड वेदर द बेबीज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर पेन। सिर्फ पेरेंट्स ही अंडरस्टैंड करते हैं बेबी क्यों रोती है, या तो हंगर या पेन से। तो इस यहाँ पे टॉक एंड एक्सप्रेस, और यहाँ पे हाँ पेरेंट्स होगा। तो ये आपको करके लानी है।
आईटी टॉपिक है आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद और हमारी नापसंद. एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक. हर आदमी की अपने पसंद और नापसंद होती है. सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है. सब इंसान के, हर इंडिविजुअल के, हर आदमी के पसंद और नापसंद अलग होते हैं. योर सिबलिंग्स मे लाइक टू ईट इंडियन फूड व्हाइल यू मे लाइक टू ईट चाइनीज. हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन जो है वह इंडियन फूड खाना पसंद करते हैं, जबकि हम जो है वो चाइनीज़ फूड खाना पसंद करते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमारा पसंद अलग हो गया, किसी को चाइनीज़ फूड पसंद है तो सिबलिंग्स को, हमारे भाई बहन को इंडियन फूड, तो सबके पसंद एक जैसे नहीं हुआ. योर फ्रेंड मे लाइक टू चॉकलेट. तुम्हारे फ्रेंड को चॉकलेट पसंद है, बट यू मे लाइक टू ईट आइसक्रीम, बट तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है. तो यहाँ पे हम जैसा देख रहे कि हमारे सिबलिंग के, हमारे फ्रेंड के, सबके पसंद और नापसंद अलग अलग हो गए. किसी को इंडियन फूड पसंद है तो किसी को चाइनीज, किसी को चॉकलेट तो किसी को आइसक्रीम. तो सबके पसंद और नापसंद अलग अलग होते हैं. लाइक्स मीन्स हो गया पसंद, और डिसलाइक्स मीन्स हो गया नापसंद, जो हमें पसंद है नापसंद हो. तो आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ग्रेटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट. हमारे लाइफ और लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे पर्यावरण पे, पर्यावरण वातावरण पे डिपेंड करता है. एंड द पीपल सराउंडिंग अस, और जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आस पड़ोस में, अगल बगल में पीपल है, उस पर डिपेंड करता है. दैट इज आवर फैमिली एंड फ्रेंड, जैसे कि हमारे फैमिली और फ्रेंड पे है. For example, our food habits are often shaped by our family members and the region we live in. हमारे जो family member, हमारे जो खाने की आदत है, हमारे family members और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, region प्राय उसी से shape किए होते हैं. तो कहेंगे some people are vegetarian while others are non-vegetarian. कुछ जो है vegetarian होते हैं और कुछ जो है, जबकि कुछ non-vegetarian होते हैं. यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन हो गया जो मीट मछली यहाँ पे नहीं होता है, वो वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन शाकाहारी. नॉन वेजिटेरियन हो गया मांसाहारी, और वेजिटेरियन हो गया शाकाहारी. अब सम पीपल लाइक द स्मेल ऑफ फिश, मस्टर्ड और गार्लिक एग्स एंड लव टू ईट देम. कुछ आदमी जो है वो फिश, मछली की स्मेल को करना पसंद करते हैं, कुछ मस्टर्ड ऑयल को पढ़ना पसंद, स्मेल करना पसंद करते हैं, कुछ गार्लिक, कुछ एग को खाना पसंद करते हैं और उसकी स्मेल को पसंद करते हैं. वाइल द अदर्स डू नॉट लाइक द स्मेल एंड डू नॉट ईट देम. जबकि कुछ जो है उन लोगों को ये सब की स्मेल पसंद नहीं होती है और उन्हें खाना पसंद नहीं होती है. तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि लाइक्स और डिसलाइक, कि सबकी लाइक्स और डिसलाइक, सबकी पसंद और नापसंद एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है. किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ. कोई नॉन वेजिटेरियन है तो कोई वेजिटेरियन है. किसी को फिश और गार्लिक एग्स ये सब की स्मेल और इन्हें खाना पसंद है, तो किसी को ये सब पसंद नहीं है. तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स है, तीन ट्रू फॉल्स दिए गए हैं. पहला, एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. यस, बिल्कुल हर इंडिविजुअल की लाइफ और डिसलाइक अलग होती है या एक जैसी होती है. अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है. सेकंड वन, आवर लाइक एंड डिसलाइक डू नॉट डिपेंड ऑन आवर एनवायरनमेंट. हमारे लाइक और डिसलाइक है या एनवायरनमेंट में डिपेंड नहीं करते, नहीं यकीन हमारे एनवायरनमेंट डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ट्रू लिखना है, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना है. और थर्ड वन, आवर फ्रेंड एंड फैमिली इन्फ्लुएंस आवर फूड हैबिट्स. तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड और हमारे फैमिली हमारी खाने की आदत को प्रभावित करते हैं. अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो. तो ये तीनों आप लोगों को करनी है अपने नोटबुक में. तो आज के लिए बस इतना ही.